हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज बात करेंगे एलर्जी वर्सेस अस्थमा। एलर्जी और अस्थमा में क्या कनेक्शन होता है, क्या कोरिलेशन होता है इनके बीच में, क्यों अस्थमा होने से पहले लोगों को एलर्जी बनी रहती है, उसी विषय में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली चीज़, एलर्जिक अस्थमा एक टर्म होती है जो कि एलर्जी के दौरान अस्थमा ट्रिगर करती है। लेकिन एलर्जी क्या होती है? एलर्जी आपका हाइपर स्टिमुलेशन या फिर अगर कहें तो एकदम से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना आपके इम्यून सिस्टम को हम एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी क्या करती है? आपकी बॉडी के आसपास अगर कोई ऐसे सब्सटेंस आते हैं, फॉरेन सब्सटेंस आते हैं, जैसे डस्ट हो गई, माइट्स हो गया, ठीक है, पॉलन हो गया, ग्रास हो गई, है ना, ये, या फिर कोई फूड एलर्जी हो गई या मेडिकेशंस हो गई, उसकी वजह से आपको एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। एलर्जिक सिम्टम्स अगर हम बात करें रिलेटेबल हम हमारे ब्रोंकियल्स और नेजल और जो हमारा पाथवे होता है, एयरवेज पाथवे होता है, उसके रिलेटेबल बात करें तो आपकी जो नाक रहती है, नाक स्टफ़ हो जाती है, वाटरी डिस्चार्ज होने लग जाता, आंखें सूज जाती हैं, आंखों में इचिंग होने लग जाती, गले में इचिंग होने लग जाती, साथ ही आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है बाय नोज़, ठीक है, ये नॉर्मल एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है जो कि देखने को मिलता है। अस्थमा के विपरीत अगर बात करें तो अस्थमा क्या होता है? क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन या क्रॉनिक लंग डिसीज़ है जिसके अंदर देखा जाता है कि जितने भी हमारी ब्रोंकियल्स होती है, जो एयरवेज होता है, वो सिकुड़ जाता है। वीजिंग, टाइटनेस इन चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर अस्थमा में। अस्थमा के अटैक में पर्सन यही चीज़ें फील करता है। तो अस्थमा का अटैक एलर्जिक भी हो सकता है और नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। नॉन एलर्जिक स्ट्रेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बहुत सारे अलग अलग रीज़न देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर एलर्जिक नॉन एलर्जिक अस्थमा में। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ होती है, अगर आपको लिंक्ड क्या रहता है एलर्जी और अस्थमा का, तो जब आपको एलर्जी रहती है और बहुत लंबे समय तक एलर्जी रहती है, क्योंकि क्या होता है, जितने मैंने लगभग पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं अस्थमा की हिस्ट्री ले, अस्थमा को लेकर, तो अगर हम जब भी उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो ये देखने को मिलता है कि उनमें से 60-70% आर एलर्जिक, ठीक है, मतलब पास्ट में उन्हें एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी वाली कंप्लेंस रही है, तो वो आगे बढ़कर अस्थमा वाली कंडीशन में बदल गई है, ठीक है। तो अस्थमा बहुत कॉमन कंडीशन है आफ्टर एलर्जी, ठीक है, तो उसे हमें ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पर्टिकुलर अगर आपको एलर्जी बनी रहती है तो वो आगे चलकर अस्थमा में बदल सकती है। अस्थमा में कैसे बदल सकती है मैं बताता हूँ। जब भी आपको एलर्जी होती है तो एयरवेज आपका बार बार फूलता है, बार बार, है ना, स्वेलिंग आती है, बार बार इन्फेक्टेड होता है, एलर्जिक वहाँ पर एलर्जिक हाइपर रिस्पॉन्स होता है, तो वो वाली कंडीशन आपके एयरवेज को धीरे 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 नैरो करते जाते हैं। उस वाली कंडीशन में ये देखा जाता है कि आपको वो वाली कंडीशन आगे चलकर अस्थमा का रूप ले लेती है। तो अस्थमा अगर आपको होने की कंडीशन होती है या फिर एलर्जी कंडीशन होती है तो एलर्जी को उस टाइम पर ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही इसके ट्रिगर्स जो रहते हैं उनसे बचाव करना ज़रूरी रहता है ताकि आगे आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचा जा सके, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू ऑन पर्टिकुलर अस्थमा और एलर्जी के बारे में। डिफ्रेंशिएट करने वाली बात है ही नहीं। अस्थमा में एकदम से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो अस्थमाटिक होता है, वीजिंग साउंड चेस्ट में, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। एलर्जिक में इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन दोनों के बीच में लिंक्ड है, डिफरेंस है थोड़ा बहुत। लेकिन एलर्जी का एक अगर देखा जाए तो बहुत एक डोमिनेंस रहता है अस्थमा पर, ठीक है। एलर्जी के इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है। अगर आपने कोई ऐसे एलर्जेंस के उसमें आ गए, ठीक है, सब कॉन्टेक्ट में आ गए, तो आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है। एक वीडियो मैंने इसके लिए बना रखा है कि अस्थमा के क्या क्या ट्रिगर हो सकते हैं, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो होप सो आपको उससे काफ़ी जानकारी मिल सकेगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे डाल दूंगा, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली अपडेट मिल सके। आपको अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे स्टोरी में टैग कर देना ताकि आपके क्वेश्चन का मैं वहीं पर ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाऊँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊँगा। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, और जय हिंद।